इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉयलर फीड वाटर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉयलर क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज के अंदर। एंड इसके अंदर हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं रिक्वायरिटीज ऑफ बॉयलर फीड वाटर, यानी कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए बॉयलर फीड वाटर की, यानी कि ऐसा पानी जो हम बॉयलर के अंदर यूज़ ले सकें उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सेकेंड पढ़ेंगे प्रीमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर। ये टर्म्स क्या होते हैं, प्रीमिंग, फॉर्मिंग और कैरी ओवर से क्या मतलब है, और उनके क्यूज़ क्यों होते हैं, प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं, और डिसएडवांटेज अगर ये हो जाए तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बॉयलर क्या होता है। बॉयलर एक ऐसा वेसल है जो कई सारे इंडस्ट्रीज के अंदर पानी को बॉयल करके स्टीम प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और उस स्टीम का यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन में होता है, जैसे कि स्टीम के हेल्प से टरबाइन को रोटेट कर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। आप उसको छोटे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हमारे रसोई घर में सबके पास एक बॉयलर पड़ा हुआ है, प्रेशर कुकर। उसको जब भी हम हीट देते हैं तो क्या करता है, स्टीम को प्रोड्यूस करता है, और उस स्टीम का जो यूज़ है वो कहाँ होता है, खाने को पकाने के लिए। इसी तरह से कई इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग बॉयलर्स का यूज़ होता है स्टीम प्रोडक्शन के लिए, और इस स्टीम का जो यूज़ है वो अलग अलग काम में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर फीड वाटर, यानी कि बॉयलर फीड वाटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है, वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम डिजॉल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि पानी के अंदर डिजॉल्व्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होने चाहिए। सेकंड चीज़ है, वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम डिजॉल्व O2 एंड CO2 गैस, यानी कि O2 CO2 से भी फ्री होना चाहिए। हार्डनेस ऑफ वाटर शुड बी लेस देन 0.2 PPM, यानी कि पानी का जो हार्डनेस है वो 0.2 PPM से कम होना चाहिए। इट्स कास्टिक एल्काइनिटी शुड बी 0.15 to 0.45 PPM, मीन्स कास्टिक एल्काइनिटी भी कम होनी चाहिए, यानी कि बीच में होनी चाहिए 0.15 से 0.45 तक। इस सोडा एल्काइनिटी शुड बी 0.45 to 1 PPM, एक्सेस ऑफ सोडा एसिड शुड बी 0.3 to 0.5 PPM। तो ये सब है रिक्वायरमेंट्स, यानी कि रिक्वायरिटीज और क्वालिटीज़ ऑफ बॉयलर फीड वाटर, यानी कि अगर कोई पानी के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है तभी हम उसको बॉयलर के अंदर यूज़ ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पानी को उबाल के स्टीम ही तो प्रोड्यूस करना है, तो इसमें इतना ध्यान रखने की इतनी क्वालिटी कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है। तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप इफ़ द बॉयलर फीड वाटर कंटेन इम्प्योरिटीज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट दे लीड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है किसी भी बॉयलर फीड वाटर के अंदर तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती है, जिसके अंदर है पहला प्रीमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सेकंड है बॉयलर कोरोजन, यानी कि बॉयलर के अंदर कोरोजन हो सकता है। स्केल एंड स्लस फॉर्मेशन, ये हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। कास्टिक एम्ब्रिटमेंट, तो अगर बॉयलर फीड वाटर की जो क्वालिटीज़ हैं अगर वो इस क्वालिटीज़ के अनुसार नहीं है तो हमें ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती है। तो अब हमें पता करना है कि प्रॉब्लम है क्या, क्यों होते हैं और हम इसे कैसे बच सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए। व्हेन स्टीम प्रोड्यूस रैपिडली इन द बॉयलर, सम स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कैरी ओवर विथ स्टीम, द स्टीम विथ स्मॉल ड्रॉपलेट इज कॉल्ड वेट स्टीम, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब बॉयलर के अंदर रैपिडली, यानी कि पानी उबलना शुरू होता है अचानक बॉयलर के अंदर, तो उसके जो स्टीम यानी कि भाप के साथ कुछ पानी की बूंदें भी कैरी ओवर हो जाती हैं, कैरीड हो जाती है, यानी कि जो स्टीम जब ऊपर उठता है, भाप जब ऊपर उठता है तो अपने साथ कुछ पानी की
बूंदे भी लेकर उठता है, इस स्टीम को हम कहते हैं वेट स्टीम। तो चलिए सबसे अभी तो हमने ये बात करी कि वेट स्टीम किसे कहते हैं। आप इसको अपने एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर आपने रसोई में कोई किसी बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा है, वो बहुत जोर से उबल रहा है, अगर आप वहाँ पे स्टीम के पास अपना हाथ ले जाएंगे तो आपको थोड़ा हाथ पे गीलापन महसूस होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर पानी की कोई ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। इस स्टीम को हम क्या कहेंगे? वेट स्टीम। अभी तक हमने सिर्फ यही बात कही कि वेट स्टीम किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रिमिंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ वेट स्टीम इज नोन एज प्रिमिंग। प्रिमिंग आल्सो स्टार्ट व्हेन लेवल ऑफ वाटर राइजेस ड्यू टू फॉर्मिंग। तो जो वेट स्टीम बनने का प्रोसेस है उसको हम प्रिमिंग कहेंगे। और हमको ये पता है कि प्रिमिंग एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है ये समझने के लिए आप एग्जांपल देखिए कि हम स्टीम का यूज़ कई सारे पर्पस के लिए करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो अब एक एग्जांपल है कि जो टरबाइन होता है उसको रोटेट करने के लिए स्टीम का यूज़ होता है। अगर मेरे स्टीम में पानी के कोई ड्रॉपलेट्स हैं तो वो उस स्टीम टर्बाइन पर जाके पानी की ड्रॉपलेट्स चिपक जाएगी, ठीक, और उससे कोरोजन होने का खतरा हो सकता है, और इस कोरोजन की वजह से इंडस्ट्रीज को लॉस हो सकता है या फिर एक्सीडेंट का भी डर हो सकता है, और भी बहुत सारे। अगर मेरे स्टीम के साथ पानी की ड्रॉपलेट्स भी आ रही हैं तो मेरे पानी का जो क्वांटिटी है वो मैं उतना यूज़ नहीं कर पाऊँगा जितना मैंने ली थी, यानी कि मेरे को पानी का भी लॉस होगा इस वजह से, ठीक है। ये कुछ एक एग्जांपल है प्रॉब्लम का। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर वेट स्टीम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है तो, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्यूज ऑफ प्रिमिंग, यानी कि प्रिमिंग होता क्यों है। व्हेन वाटर कंटेन्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड। अगर पानी के अंदर डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, इम्प्यूरिटीज हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बात किया था कि नहीं होनी चाहिए कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, लेकिन अगर वो प्रेजेंट हैं तो प्रिमिंग हो सकता है। सडन चेंज इन हीट एंड स्टीम प्रोडक्शन। अगर अचानक ही चेंज हो गया हीट के अंदर और स्टीम रैपिडली अचानक बहुत ज़्यादा बनने लग गई, उस वजह से भी क्या हो सकता है, प्रिमिंग की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। हाई लेवल ऑफ वाटर, यानी कि बॉयलर जो है वो पूरा भरा हुआ, उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं है, इसकी वजह से भी प्रिमिंग हो सकता है। इम्प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ बॉयलर, बॉयलर की गलत डिजाइनिंग, अगर हमने बॉयलर ऐसा चूज किया कि जिसका जो डिज़ाइन है वही गलत है तो भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हाई स्टीम वेलोसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टीम का प्रोडक्शन होने लग जाए इस वजह से भी, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ प्रिमिंग, हम कैसे बच सकते हैं प्रिमिंग के प्रिवेंशन से। यूजिंग मैकेनिकल बॉयलर एंड प्यूरिटाइज, यानी कि अगर हम अच्छे बॉयलर का यूज़ करें और प्यूरिटाइज यानी कि पानी को प्योर करके बॉयलर का यूज़ करें तो हम इस प्रिमिंग से बच सकते हैं। कीपिंग द वाटर लेवल लोअर, पानी का जो लेवल है बॉयलर के अंदर उसको थोड़ा कम रखें, थोड़ा स्पेस रहने दें। यूजिंग प्रॉपर बॉयलर डिज़ाइन, अच्छा डिज़ाइन यूज़ करें बॉयलर का। यूजिंग सॉफ्ट वाटर इन बॉयलर, बॉयलर के अंदर सॉफ्ट वाटर यूज़ करके भी हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। कंट्रोलिंग द सडन चेंज इन स्टीम रेट, यानी कि स्टीम का जो रेट, स्टीम प्रोडक्शन का जो रेट है उसके अंदर सडन चेंज ना आने दें, यानी कि हीट के अंदर अगर हम सडन चेंज ना आने दें तो भी हम प्रिमिंग से बच सकते हैं। बाय ब्लोविंग स्लज एंड स्केल फ्रॉम द टाइम टू टाइम। स्केल और स्लज को, ठीक है, आप अभी स्केल और स्लज नहीं समझ पाएंगे, हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें कि स्केल एंड स्लज इम्प्योरिटीज हैं, वो कहीं खट्टी होती है उनको हमें ब्लो डाउन कर देना होता है टाइम टू टाइम, तो आप इससे भी बस प्रिमिंग की समस्या से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मिंग के बारे में। द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म एंड बबल्स एट द सर्फेस ऑफ वाटर इन बॉयलर इज कॉल्ड फॉर्मिंग विच डू नॉट ब्रेक ईजिली। अगर आप पानी को उबालेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, मतलब झाग टाइप आपको कुछ देखने को मिलता है, आपको लेथर टाइप कुछ देखने को मिलता है। अब तो वो तो छोटे लेवल पर आप गर्म करते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, अगर उसके अंदर ये लेथर प्रोडक्शन शुरू हो जाए द सरफेस ऑफ वाटर,
तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि वो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म और बबल्स की फॉर्मेशन एट द सर्फेस ऑफ वाटर विच नॉट ब्रेक ईजिली, तो वो क्या होगी, ईजिली ब्रेक नहीं होगी वो, मतलब उबलने पर पानी के सर्फेस को पूरा वो ढक लेंगी, तो उससे ना स्टीम प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब क्यूज ऑफ फॉर्मिंग, इट इज क्यूज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑयल, ग्रीस एंड अल्काइल्स इन वाटर। अगर पानी के अंदर ऑयल ही, ग्रीस और अल्काइल्स है, तो इसके वजह से हमें फॉर्मिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दिस सब्सटेंस रिड्यूस द टेंशन ऑफ वाटर सरफेस, यानी कि पानी की जो सरफेस पे टेंशन होता है, खिंचाव होता है, उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इट इज आल्सो क्यूज्ड बाय फाइनली ड्राइव्ड स्लज पार्टिकल्स। ठीक है, ये किसकी वजह से भी हो सकता है, अगर फाइनली ड्राइड स्लज पार्टिकल, स्लज, स्लज क्या इम्प्योरिटीज है, हम आगे और बात करेंगे स्लज के बारे में, लेकिन आप ये समझिए कि स्लज इम्प्योरिटीज है, उसके फाइनली यानी बहुत ही छोटे छोटे पीस या बिखरे पड़े हुए हैं पानी के अंदर, यानी कि एक तरह से आप ये सकते कि पानी के अंदर इम्प्योरिटीज है, तो भी हमें इस फॉर्मिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मिंग, फॉर्मिंग से कैसे प्रिवेंट किया जाए, बाय एडिटिंग कोगुलेंट लाइक फेरस सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट और ऑयल एक्सेट्रा टू रिमूव द ऑयल, ग्रीस एंड फाइनली डिवाइड स्लज पार्टिकल्स। तो हम क्या करेंगे, पानी के अंदर कोगुलेंट मिला देंगे। कोगुलेंट क्या होता है, कोगुलेंट जो भी पानी के अंदर फाइनली डिवाइड सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कर देता है, उनको डिस्चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो जो भी फाइनली डिवाइड इम्प्यूरिटीज है ना पानी के अंदर जो तैर रहे हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके चार्ज डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, अगर हमें टाइम लगता है हम और भी कोगुलेंट के बारे में बात करेंगे, बट अभी आप यही समझिए कि पानी के अंदर जो ऑयल के पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज हैं, वो जो फाइनली डिवाइडेड यानी कि दिख भी नहीं सकते और अच्छी तरह से पानी में मिक्स है, तो अगर हम उसके अंदर कोगुलेंट डालेंगे तो वो उसको क्या कर देंगे, उसके पार्टिकल्स को डिस्चार्ज कर देंगे कोगुलेंट, और उसकी वजह से जो सारे इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी, और इसको ही हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। By adding anti-forming agent like castor oil spirits on the surface of water and neutralize the surface tension reduction, मतलब अगर क्या होता है, फॉर्म किस लिए हो जाती है, अगर टेंशन कम हो जाएगी पानी के सरफेस के ऊपर, तो ही फॉर्मिंग की जो भी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्रिएट होगी। अगर हम उसके क्या डाल दें, एडिंग एंटी फॉर्मिंग यानी कि फॉर्म ना बनने वाले कुछ एजेंट डाल दें, ठीक है, लाइक कैस्टर ऑयल स्प्रिट और ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड द न्यूट्रलाइज द सर्फेस टेंशन रिडक्शन, यानी कि एंटी फॉर्मिंग एजेंट डाल दें जो फॉर्म की प्रोडक्शन को रोक दें, और अगर हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन डाल दें उसके अंदर कि पानी का जो टेंशन है वो कम ना हो, क्योंकि टेंशन कम होने पर ही फॉर्मिंग क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, अब डिसएडवांटेज ऑफ प्रिमिंग एंड फॉर्मिंग, presence of water droplet in the steam may lead to corrosion in the steam in turn and of surface heater, ठीक है, boiler के अंदर पानी boil हो रहा है, steam produce हो रही है, boiler भी किससे बनाता है, metal से बना होगा, अगर steam production के अंदर क्या है, पानी की droplets हैं, तो वो ऐसा part जो इस droplet से effect हो सकता है उसको effect कर सकती हैं, अगर वेट स्टीम प्रोड्यूस होने लग जाए तो बोला का कुछ पार्ट जो पानी से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए वो प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएगा, इस वजह से वहाँ पे कोरोजन हो सकता है, बोलर कोरोजन। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर कैन नॉट बी जस्ट ड्यू टू द फॉर्मिंग, सो मेकिंग मेंटेनेंस ऑफ बोलर प्रेजेंस डिफिकल्ट, अगर फॉर्मिंग हो गया तो मतलब पूरा सरफेस झाग ही झाग, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि पानी का लेवल कहाँ है। ठीक है, तो उसके लिए मेंटेनेंस में हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फॉर्मिंग की वजह से। A part of dry salt may be carrying along with the steam and dispose it on the engine value, thereby decreasing the life, their life. ठीक है, अब वेट स्टीम के साथ अगर कोई सॉल्ट यानी फिर इम्प्योरिटीज भी उनके साथ चली कोई डिपॉजिट हो गई एट द इंजन, ठीक है, इंजन में जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं, तो उसकी लाइफ को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम लास्ट है हमारा कैरी ओवर, द फिनोमिना ऑफ कैरिंग वाटर अलोंग विथ इम्प्यूरिटीज बाय स्टीम इज कॉल्ड कैरी ओवर,
अगर स्टीम के साथ पानी के ड्रॉपलेट्स हैं और उन ड्रॉपलेट के साथ कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो ये जो है फिनोमिना, ठीक है, पानी क्या है, देखो द फिनोमिना ऑफ कैरिंग वाटर अलोंग विद इम्प्योरिटीज बाय स्टीम, अगर स्टीम अपने साथ पानी और इम्प्योरिटीज को कैरी ओवर कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, कैरी ओवर, ठीक है। दिस इज मेनली ड्यू टू द प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग, अगर कहीं पर प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग साथ साथ हो रही है तो वहां पर कैरी ओवर भी होगा, ठीक है। तो कैरी ओवर मतलब क्या है, स्टीम अपने साथ पानी के ड्रॉपलेट्स ले रहा और वो पानी के ड्रॉपलेट्स अपने साथ इम्प्योरिटीज भी लेके आ रहे, यही कैरी ओवर है। डिजॉल्व सॉल्ट्स और सस्पेंड सॉलिड इन वाटर कैरीड बाय द वेट स्टीम टू सुपर हीटर टर्बाइन blends and deposit, the deposited decreases the efficiency of boiler, ठीक है। ये बात अपन पहले भी कर सकते, अगर सोल्ट्स जाकर डिपॉजिट हो गए टर्बाइन पर या फिर ब्लेड्स पर टर्बाइन की, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके एफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। डिजॉल्व्ड सॉल्ट में एंटर द पार्ट ऑफ अदर मशीनरी एंड डिक्रीजेस द लाइफ, ठीक है। अगर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स किसी भी मशीनरी के पार्ट्स में एंटर हो गए तो उसकी लाइफ को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। एक बार मैं फिर बता दूं कि प्रीमिंग फॉर्मिंग एंड कैरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको समझना है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू।